हेलो फ्रेंड्स, आप ये टर्टल वाइन देख रहे हैं। ये एक हफ्ते पहले ऐसे ही मैंने तोड़ी थी और ऐसे ही ये रखी हुई है कि मैं लगाऊंगी करके, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें अभी भी ग्रीन बनी हुई है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही हार्डी है। आप इनको एकदम खाद की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे ये जितने भी प्लांट हैं, मैंने इनमें जब लगाया था थोड़ा सा खाद दिया था, उसके बाद ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर मेन जो पौधे ख़राब होते हैं, उनके दो कारण होते हैं, रूट रॉट, या तो आप बहुत ज़्यादा पानी दें या फिर एकदम नहीं पानी दें तो उससे अगर सूख जाए। तो ये जो प्लांट है ये दोनों ही कंडीशन झेल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्लांट है ये एलोवेरा। एलोवेरा प्लांट में आप 15-20 दिन तक पानी मत दीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं इनकेस अगर तो अगर आप कोई प्लांट लगाने का सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लांट है। आप मिनिमम केयर से चलने वाला प्लांट एक बार लगाइए और भूल जाइए। और देख सकते हैं मेरा वो प्लांटर कैसे भरा हुआ है। अगर आप एक एलोवेरा खरीदते हैं या कहीं से लाते हैं तो ये अपने आप ही बहुत सारे पप प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे आप पूरा मतलब एक से चार, चार से आठ ऐसे प्लांटर भर सकते हैं। और ये बहुत हार्डी प्लांट है, एक बार आपने ख़रीद लिया तो ये आपके पास से जाने वाला ही नहीं है। और इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत हैं और इसके साथ साथ ये लकी प्लांट भी है। तो जब लकी प्लांट की बात आई है तो सेकंड नंबर पे है मनी प्लांट या फोर्थोस। और ये बहुत बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। तो ये मनी प्लांट शायद एक ऐसा प्लांट है जिसे हम सभी ने बचपन में कभी कहीं से चोरी करके पानी में, मिट्टी में, सॉइल में, सब जगह लगाया होगा। जितने भी लोग जिनको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, मनी प्लांट उनका मोस्टली सभी का फर्स्ट फॉलिएज प्लांट होगा। छोटे से छोटे कंटेनर में, पानी में, सब जगह बहुत अच्छे से चलता है, वो भी मिनिमम केयर से। ये नॉर्मली अगर कभी ख़राब भी हो तो अगर इसकी जड़ अंदर रह गई है तो इसी से ये फिर से ग्रो हो जाता है। मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा कीचड़ बना के रखे प्लांट्स में, वो भी अगर एक हफ्ते 10 दिन, तब जाके अगर किसी का मनी प्लांट शायद ख़राब हो। नहीं तो मनी प्लांट और एलोवेरा जेल बहुत ही हार्डी प्लांट है। तीसरे नंबर पे आता है सेंसीवेरिया या स्नेक प्लांट। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बिगनर्स फ्रेंडली है और बिल्कुल ज़ीरो केयर से चलने वाला प्लांट है। और इसको आप शेड में रख सकते हैं, सेमी शेड में रख सकते हैं। आपने बहुत से मॉल्स वगैरह में इसे बाहर धूप में भी रखे हुए देखा होगा। तब स्नेक प्लांट अगर ख़राब होगा तो उसका एक ही रीज़न है, आपने ज़्यादा केयर कर दी है, आपने ज़्यादा पानी दे दिया या इसे ज़्यादा खाद दे दी। दोनों ही आपको नहीं करना है। आप इसे थोड़ा सा इस तरह के पॉट में लगाइए, छोटे पॉट में ही, क्योंकि इसकी रूट ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। अगर आप छोटे पॉट में स्नेक प्लांट को लगाएंगे, ये देखिए लगभग 4 फीट तक हो चुकी है। अभी इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इनके केयर के बारे में। बहुत ही हार्डी और बिगनर फ्रेंडली है। और इसमें आपको ये लंबी वैरायटी और छोटे और इसी के साथ साथ कई सारी वेरिकेशन भी मिल जाएगा। चौथा प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट, ये है सिंगोनियम। एकदम ज़ीरो केयर से चलने वाला पौधा है। ये सभी पौधे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर ये ख़राब होते हैं तो सिर्फ इसका, क्योंकि ये ड्राउट झेल लेते हैं, अगर 2-3 दिन भी आप इन्हें पानी ना दें, पूरे ऐसे सूख जाएं इनकी सारी पत्तियाँ, फिर अगर आप पानी दें फिर से हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस, ऐसे तो नहीं है कि आप 10-15 दिन तक ही लगातार पानी ही देते रहें और जो सॉइल है वो सॉगी बनी रहे, तो उस कंडीशन में इनकी रूट रॉट होगी। अदरवाइज़ ये नहीं जल्दी मरने वाले पौधे हैं बिल्कुल। अगर और एक रीज़न, अगर ये पौधा ख़राब हो तो उसका रीज़न होगा कि आप ज़्यादा केयर कर दें, ज़्यादा खाद दे दें, या ज़्यादा खाद भी पसंद नहीं करते हैं। पाँचवें नंबर पे आती है ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की अगर छोटा सा भी टुकड़ा आप कहीं से ले आते हैं, उसी से ये पूरी इतनी फैलती है और पूरा गार्डन आपका भर देगी। और इसको तो मैंने ये भी देखा है कि बाद में एज ए वीड भी ग्रो होने लगती है आपके गार्डन के सभी पॉट में। ये आप देखेंगे एज ए वीड ग्रो हो गई। बहुत ही हार्डी प्लांट है और इस हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है, मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से कप में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं।
टर्टल वाइन में भी ये देखिए एरियल रूट्स होती हैं, इन्हीं वजह से ये जो एक हफ्ते से ये वाइन ऐसे रखी हुई है अभी तक हरी है, क्योंकि ये एरियल रूट से अपना मॉइस्चर लेती रहती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। छठे नंबर पे है ये पर्पल हार्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। ज़ीरो केयर से, कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे हैंगिंग बास्केट में लगा है वो तो लगभग 3-4 साल हो गए हैं। इस बास्केट में मैंने अभी तक खाद ऐड ही नहीं करी है। ये बीच बीच में सूख जाता है, लेकिन इसकी ना जो आप जिस पॉट में लगाते हैं जो इसकी मेन रूट होती है वो काफ़ी डीप चली जाती है। अगर पूरा पौधा ऊपर से अगर आप किसी कारणवश ख़राब भी हो जाता है तो ये फिर से वहाँ से ग्रो हो जाता है। इसमें पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं और देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है। ग्रीन के साथ अगर आप रखें तो फूलों की ज़रूरत नहीं है आपके गार्डन में, ऐसे ही ये कलर ऐड करेगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है, मिनिमम केयर से चलेगा। सातवें नंबर पे है मेरा ये रोहियो प्लांट या वोट लिली। इसमें और एक वेरिएशन मिलता है वो में पे ये पर्पल वाला है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक छोटा सा पौधा लेके आएंगे, देखिए किस तरह से कंटेनर भर रखा है पूरा। आप एक से बहुत सारे पॉट्स बना सकते हैं और मैंने तो शायद सभी को इसकी कटिंग दी है, वो भी इस ये मदर प्लांट है इसी प्लांट से। बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़ीरो केयर चाहिए। ज़्यादा खाद मत ऐड कीजिए, ज़्यादा पानी ना दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए इस प्लांट को। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और इतना ब्यूटीफुल कलर है, इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो ये सभी पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। अगर ये पौधे अगर आपके मैं तो नहीं सोच सकती कि ये पौधा किसी के भी हाथ से मर, ये जितने भी मैंने दिखाए हैं किसी के भी हाथ से या मर सकता है, चाहे आप ग्रीन थंब हो ना हो। एक ही रीज़न हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक आप पानी दिए ही जा रहे हैं और सॉइल सूख ही नहीं रही है। उस कंडीशन में आपका जो प्लांट है जड़ों के गलने से मर सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन तक आप इन पौधों को पानी नहीं दीजिए, सूख जाएंगे एकदम, लेकिन फिर जैसे ही पानी देंगे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो आप अगर नए गार्डनर्स हैं और पौधे लगाने की सोच रहे हैं तो ये सभी बेस्ट प्लांट हैं।